सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणपति बप्पा की स्वागत हो चुकी है और यहाँ पर मैंने बनाया है पान मोदक। इस मोदक को खाने के बाद ना आपको बिल्कुल पान का स्वाद आएगा और अंदर की जो स्टफिंग होगी ना बहुत ही शानदार होगी, तो एक बार जरूर से ट्राई करें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मजे में होंगे। तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आइए पान मोदक को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना पान मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं। इनको मैंने धुलकर साफ कपड़े से पोंछकर और ना इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेने हैं। तो कट करने के लिए आप ना चाकू या फिर कैची का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पीसेस कर लिए हैं, देख रहे हैं ना, और इसकी खुशबू ना बहुत ही अच्छी आ रही है। वैसे तो पान लोग मीठा पान या फिर बहुत सारे लोग जर्दे वाली पान भी खाते हैं, बट इस तरीके से हम पप्पा के लिए बनाएंगे पान मोदक, जिसमें मैंने 1/4 कप दूध डालकर इसको ना फाइन सा प्योरे रेडी कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक छन्नी में डालकर इसे छान लेंगे। जो भी खड़े पत्ते होंगे ना वो निकल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से प्रेस करके सारा इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। अब एक पैन लिया है मैंने और इसमें मैं डाल दूंगी इस पान के पत्ते वाले प्योरे को। इसी में मैं डालूंगी 1 कप के जितना मिल्क पाउडर और इसे ना अभी हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ना पहले अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है और अभी ना हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। सबसे पहले हमें इसे मिक्स कर लेना है और धीरे धीरे हमें इसको पकाना है। ये देखिए फ्लेम ऑफ है ना, अब यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर लिया क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये प्रोसेस इसलिए हम करते हैं ना ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। तो ये देखिए यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनने के बाद में हमने इसमें डाल दिया है 3 से 4 चम्मच चीनी का पाउडर। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी आप तब डालेंगे जब हमने इसमें दूध और मिल्क पाउडर को मिक्स किया था। तो मिल्क पाउडर भी मीठी होती है, उसी के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पर ना थोड़ा सा अच्छा कलर लाने के लिए, इसकी मार्केट वाला कलर लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर यूज़ किया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच की जितना हम डालेंगे घी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ना काफ़ी अच्छा शाइन आता है। बस इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही पैन को छोड़ने लगे ना उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से कितनी अच्छी सी ये शाइनिंग दे रही है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच गुलकंद, यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ले लिया है नारियल का बुरादा। इसे ना हमने मिक्स कर लेना है। गुलकंद थोड़ी सी मीठी होती है, तो आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी फिलिंग रेडी है। इसके ना छोटे छोटे हमें बॉल्स को बनाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो आपने ना अपने मोल्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग या फिर अगर आप हाथों से बना रहे हैं तो अपने मोदक के साइज़ के अकॉर्डिंग बॉल को रेडी करें। तो यहाँ पर ये देखिए सारे रेडी हैं। मैंने ग्रीस कर लिया है मोल्ड को थोड़े से घी से। दोनों साइड में हमने डाला है इस फिलिंग को, यानी कि ग्रीन वाली फिलिंग को, पान के पत्ते वाले जो फिलिंग रेडी किया है हमने, और साइड से प्रेस कर देंगे और अंदर की जो फिलिंग है, जो स्टफिंग है, इसको हमने बीच में फिल कर देना है और इसे कवर कर देना है ग्रीन वाली फिलिंग से। बस इसे हमने प्रेस कर दिया और ये देखिए परफेक्ट तरीके से पान मोदक जो है ना ये बनकर रेडी है। अब ना हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, यहाँ पर मैंने चांदी का वर्क लगाया है, तो ये आप लगाएं अथवा ना लगाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऊपर से ड्राई रोज पेटल के साथ में गार्निश करें। बहुत ही शानदार ये बप्पा का भोग का प्रसाद रेडी होता है। तो आई होप आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।